अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 विच इज़ अरे। जो अरे चैप्टर है, आप सब जानते हैं कि 10th क्लास की में जो आपने लैंग्वेज पढ़ रहे हैं वो GW बेसिक है। तो GW बेसिक में एरेज की वर्किंग क्या है, किस तरह से वो काम करती हैं, उस हवाले से इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर में देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। सबसे पहले इसका इंट्रो देखते हैं कि इन प्रीवियस चैप्टर ऑफ द बुक वी हैव रिटन सिंपल प्रोग्राम टू विच इज नंबर ऑफ वेरिएबल हैव बीन यूज एज न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल्स। इफ वी हैव टू यूज 100 or 1000 डिफरेंट वेरिएबल्स इन ए प्रोग्राम, इट विल बिकम डिफिकल्ट टू हैंडल दैम। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रोग्राम हैज़ ए स्टोर नेम्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन ए कंप्यूटर, इट नीड 100 डिफरेंट वेरिएबल नेम्स। सो एन अरे कैन सोल्व दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम बाई डिफरेंट नेम्स इंस्टीड ऑफ कंटेन मेमरी लोकेशन डिफाइनिंग सेवरल नेम्स फॉर स्ट्रिंग डिफरेंट वैल्यूज। अरे एज आर यूज टू प्रोसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑफ सेम टाइप। तो सिंपल जो इसका इंट्रो है उसमें यह बताया गया है कि जो पिछले चैप्टर्स में हैं इस बुक के, उसमें आपने सिंपल्स प्रोग्राम के हवाले से देखा है, जिसमें वेरिएबल जो हैं वो न्यूमेरिक हों या स्ट्रिंग वेरिएबल हों, उसकी वर्किंग हमने देखी है। लेकिन जब हमारे पास सैकड़ों के हिसाब से या हज़ारों के हिसाब से मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स हों एक ही प्रोग्राम में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इन्हें हैंडल करना। जैसे हमने पढ़ा कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया है, राइट ए प्रोग्राम टू राइट द कैलकुलेट ऑफ द एवरेज ऑफ टू नंबर्स, तो उसमें क्या होगा, ए इज़ इक्वल टू 10, बी इज़ इक्वल टू 30, तो ये दो वेरिएबल्स हो गए और उसकी वैल्यूज़ को हमने असाइन कर लिया। लेकिन जहाँ पे थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स हों तो वहाँ एक ही प्रोग्राम में, तो वहाँ पे चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो मिसाल के तौर पे जैसे एक प्रोग्राम है वो स्टोर करता है नामों को, मतलब सैकड़ों स्टूडेंट्स के नेम्स को कंप्यूटर में स्टोर करता है, तो वहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल नेम्स की ज़रूरत होगी। लिहाजा अरे जो है, अरे ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अरेज में क्या होता है कि मेमोरी लोकेशन जो है सेम टाइप ऑफ डाटा की उसे हैंडल करती है, और बड़े पैमाने पे जो डाटा है उसको सेम टाइप का लेकिन होना चाहिए, उसको ये हैंडल कर लेती है और आप इस डिफ़िकल्टी से निकल आते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन अरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स डैट कैन स्टोर डाटा ऑफ सेम टाइप। ईच मेमरी लोकेशन होल्ड्स ए सिंगल वैल्यू विच इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ अरे। तो सबसे पहले हमें पता चला कि एक अरे जो है वो क्या है, कलेक्शन है किसकी, वेरिएबल्स की, मुतैगरात का मजमूआ है जो कि एक ही तरह के डाटा को स्टोर करता है। कहाँ पे स्टोर करता है, प्रोग्राम में, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। और हर मेमोरी लोकेशन जो है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, जिसको आप अरे का एलिमेंट भी कहते हैं। मतलब अरे जो है वो क्या करती है, सेम टाइप के डाटा को स्टोर करती है, और उसमें से हर मेमोरी लोकेशन जो है वो उस एक सिंगल वैल्यू को अपने अंदर रखता है, इसको आप क्या कहते हैं, अरे। और जो वैल्यू होती है जिसको सिंगल वैल्यू को होल्ड करके रखती है अरे, उसको आप उस का एलिमेंट कहते हैं। तो इसका आपने यहाँ से ले कर, ये मैं निशान लगवा रहा हूँ आपको, ये अरे तक आपने मतलब इसका लाजमी लगा लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है आपका, जहाँ पे दी पैरेंथेसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दी सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स वैल्यू इज़ रिटन इन पैरेंथेसिस विद द नेम ऑफ अरे। कि जो सबस्क्रिप्ट है या इंडेक्स है, वैल्यू है, वो कहाँ पे लिखी जाती है, ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है उस अरे के नेम के साथ। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे हैज़ एन इंडेक्स वैल्यू ऑफ 0 अनलेस स्पेसिफाइड। तो जो पहले एलिमेंट अरे का, जो पहले एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0। इसका आपने क्या करना है, यहाँ 0 तक आपने इसको असाइन कर लेना है, यहाँ 0 तक यहाँ से स्टार्ट होना है और इसको 0 तक आपने लेके जाना है, ठीक है, इसका लगाएंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे जनरल सिंटैक्स की तरफ। तो ये आपने हर हाल में करना है, जनरल फॉर्मेट सिंटैक्स है इसका, अरे नेम आएगा, उसके बाद अरे का साइज आएगा,
तो सिंटैक्स आपको पता है कि वो क्या होता है कि एक प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उसको आप सिंटैक्स बोलते हैं। इसमें आगे हम देखते हैं एन अरे इज रेफर्ड बाय इट्स नेम फॉलोड बाय ए सबस्क्रिप्ट एनक्लोज इन पैरेंथेसिस। फिर वही वाली बात आ गई कि एक अरे जो है वो उसके नाम से जानी जाती है और वो पैरेंथेसिस के अंदर किसी सबस्क्रिप्ट वैल्यू के साथ उसे स्टोर किया जाता है। व्हेन अरे नेम इज द वेरिएबल नेम ऑफ अरे साइज ऑफ अरे इज स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेटा आइटम्स डैट विल कंटेन। तो जो अरे नेम होता है, वेरिएबल्स नेम और अरे का जो साइज़ होता है, यानी कि जितने सबस्क्रिप्ट्स या जितनी इंडेक्स वैल्यू होती हैं वो किसी खास नंबर और डेटा आइटम्स की पर मुश्तमिल होती हैं, ठीक है। इसको आप कंटेन तक इसको आपने असाइन कर लें, ठीक है।